वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द सी क्लासेस। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ये सब कुछ सीख लिया। अब हम इनमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल का मतलब क्या होगा? आफ्टर क्रिएटिंग टेबल वी रियलाइज दैट कि वी हैव टू चेंज इन एट्रीब्यूट इन कॉन्स्टेंट्स। हम इनमें सब में चेंजेस करना चाहते हैं टेबल क्रिएट होने के बाद में। कुछ चीजें हमें बाद में याद आती है, कुछ चीजें हमें बाद में याद आती है, तो हम अल्टर टेबल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज ध्यान देंगे। अल्टर टेबल यानी टेबल नेम, एड, मॉडिफाई, ड्रॉप एट्रीब्यूट्स, क्या क्या हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इनके अंदर पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? यानी हम क्या पढ़ेंगे, एड, मॉडिफाई, ड्रॉप एट्रीब्यूट वन, ये वगैरह, ये सिंटैक्स रहेगा। अब कैसे, उसमें सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे हम वो देखेंगे एड प्राइमरी टू की टू ए रिलेशन। मतलब क्या हुआ, अगर कोई टेबल आपने क्रिएट कर दी है और उसके एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की नहीं बनाया है और बाद में आपको याद आया है, हम जो कर रहे हैं वो केवल और केवल कोई डेटा में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम उनके जो एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हैं यानी फील्ड जो दिए नाम, उनमें चेंजेस करेंगे। अभी केवल अल्टर इन ए टेबल का है मैंने, ठीक है। कैसे, MySQL अल्टर टेबल गार्जन एड प्राइमरी की GUID, यानी मैंने एक बनाई थी टेबल, उसमें मैंने गार्जियन को प्राइमरी की नहीं बनाया बाय चांस। गार्जियन जो टेबल थी उसमें GUID जो था, यानी देखो यहां पर तो मैं लिख रहा हूं अल्टर टेबल के बाद टेबल नेम, उसके बाद में क्या ऐड करना है, उस कंस्टेंट का नाम और किसको प्राइमरी की बनाना है वो एट्रीब्यूट का नाम यहाँ आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये क्वेरी ओके रोज अफेक्टेड ये आ जाएगा और रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स और वार्निंग ये आ जाएंगे और आपकी टेबल में जो गार्जियन वाली टेबल थी उसमें जो GUID था वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब आप लोगों ने सोचा कि सर लास्ट टाइम तो आपने प्राइमरी की वैलिड बना रखा था, तो मैं बता रहा हूं अगर बाई चांस आप भूल जाओ आपने प्राइमरी की नहीं बनाया है तो आप ऐसे प्राइमरी की बना सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, एड फॉरेन की टू ए रिलेशन, किसी को फॉरेन की बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल फिर टेबल नेम एड फॉरेन की ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट नेम। यहां तक तो क्लियर हो गया? अब फॉरेन की क्या होती है कि दो टेबलों में होती है वो चीज, ठीक है। रेफरेंस टेबल का नाम क्या होगा, जिस टेबल में वो प्राइमरी की है वो रेफरेंस टेबल का तो नाम वहां आएगा और जिसमें आप फॉरेन की बना रहे हो वो वहां आ जाएगा। कैसे, आप समझा रहा हूं वापस, ये देखिए MySQL अल्टर टेबल स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा कि जो स्टूडेंट था उसके अंदर फॉरेन की कौन है, GUID। क्लियर हो गया? लेकिन GUID जो थे गार्जियन वाली टेबल में क्या है, एक प्राइमरी की है, तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि भैया ये जो गार्जियन वाली GUID है अपन GUID कहां से लेंगे, GUID कहां से लेंगे, गार्जियन वाली टेबल से। ये चीज क्लियर हुई? वापस समझा रहा हूं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम हो गया करंट टेबल, ठीक है। फिर एड फॉरेन की कहां से ली, GUID से, तो रेफरेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे, ये आपने देखा होगा तो ये टेबल जो थी कौन सी थी, स्टूडेंट वाली थी, जिसमें ये जो GUID है, ये देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक GUID को प्राइमरी की बनाया था, वो कौन सी टेबल थी, गार्जियन वाली टेबल में थी, लेकिन अब किसकी टेबल में है ये स्टूडेंट वाली टेबल में, और स्टूडेंट वाली टेबल में कौन सी की होगी, फॉरेन की होगी। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको चेंज करना है फॉरेन की को। अब आगे देखेंगे हम, एड कंस्टेंट यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है उसको हम यूनिक सेट करना चाहते हैं। अल्टर टेबल नेम एड यूनिक और एट्रीब्यूट नेम, तो क्या आ जाएगा, MySQL अल्टर टेबल, अब जिस टेबल को अल्टर करना उसका नाम लिख देंगे, गार्जियन आ गया, एड यूनिक, किसको यूनिक करेंगे, जी फोन, फोन नंबर यूनिक होने चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई? यानी फोन नंबर रिपीट नहीं हो सकते, क्लियर हो गया, भले वो एक ही परिवार से होगा लेकिन फोन नंबर अलग डालेगा। चला आ गए और देखिए, तो ये टेबल थी हमारे पास गार्जियन वाली और हमने इसमें क्या लिया है, जी फोन लिया था और इसको क्या सेट कर दिया हमने, यूनिक सेट कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई? आगे, एड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल,
ठीक है ना, एक एट्रीब्यूट को ऐड करना, कुछ भी नहीं उसको हमने पहले कुछ लिखा ही नहीं था। तो कैसे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड एट्रीब्यूट, नेम, डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप दोगे। जैसे देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल अल्टर टेबल गार्जियन, हमने गार्जियन वाले टेबल को लिया, ऐड किया, हमने उसमें इनकम ऐड कर ली। मान लो कोई प्रिंसिपल आपको स्कॉलरशिप देना चाहता है, स्कॉलरशिप से पहले ये तो देखिए एक भाई स्टूडेंट आर्ट जो उसकी जो इकोनॉमिकल है या इनकम जो है ईयरली वो कितनी कम है। मान लो वो अमीर हो ना आप उसको स्कॉलरशिप दे रहे हो तो फिर उसका क्या फायदा। तो उस इनकम को देखने के लिए हमने एक नया कॉलम ऐड कर लिया और उसका डेटा टाइप, यानी कोई नया एट्रीब्यूट आपको ऐड करना हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चले आ गया।